लगभग एक सप्ताह पहले आगरा कॉलेज आगरा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जिसमें लगभग एक ही विषय में 80% से ज़्यादा छात्र छात्राओं को नॉट क्वालिफाई कर दिया गया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सोमवार को आगरा विश्वविद्यालय का घेराव किया। उनकी एक ही मांग थी कि उन्हें कुलपति से मिलने दिया जाए, लेकिन गेट बंद होने की वजह से काफ़ी देर तक छात्र छात्राएँ गेट के बाहर ही हंगामा करते रहे। जब अंदर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो छात्र छात्राएँ भड़क गए और उन्होंने विश्वविद्यालय का गेट नंबर एक तोड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि आगरा कॉलेज आगरा में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हुए हैं और उनके एक ही विषय फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक के एग्ज़ाम में एनक्यू शो हो रहा है। 80% से ज़्यादा छात्र छात्राएं फेल कर दिए गए हैं, जिसकी समस्या को लेकर वे सभी छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्र छात्राओं का हंगामा बढ़ता देख आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश और चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर मनु प्रताप ने एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्र छात्राएं शांत हुए। मेरा ऋषभ चौहान नाम है, मैं बीए का छात्र हूँ और इसमें एनक्यू और एमडब्ल्यू का दिक्कत है, इसलिए रिजल्ट को आए हुए 15 दिन हो गए। रिजल्ट को आए 15 दिन हो गए। लगभग बहुत सारे हैं, सब बीए की पूरी सीट है, बीकॉम के भी हैं, कई होगा रिजल्ट भी नहीं आया है। नहीं बताया, सबका स्टेटस फेल दिखा रहा है। मेरा नाम होगा है और इसमें काफी बच्चे भी अभी आए हैं, काफी चले गए और हम लोग अपने काम के लिए रुके हुए हैं और हमारी में जो सुनवाई अभी हुई नहीं है। सबसे ज्यादा दूर से वाले में एनक्यू आए हैं, एनक्यू वाले ज्यादा बच्चे हैं और जिनका रिजल्ट घोषित हुआ है वो भी काफी बच्चे, वो काफी आए हैं। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, रिजल्ट में एनक्यू और एनक्यू की वजह से प्रॉब्लम है और बहुत बच्चों के रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं। कौन सी क्लास और कौन सी? हाँ, बी ए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। कौन सी क्लास में है और कैसे फील हो रहा है, क्या बताया? बीए फर्स्ट ईयर से है और फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट आया है तो फूड न्यूट्रिशन में हमारा एनक्यू लगा है और रिजल्ट इस तरह का हमारा फेल। जितने बच्चे सब आगरा सबके, मतलब कुछ बच्चे ने जो पास आया है और कुछ बच्चे जिनका फेल आया है। कितने बच्चे आपके साथ ऐसे हैं जो फेल लिखा हुआ आया है? मतलब मैं साथ के जिसको मैं जानती हूँ उन सबके में फेल है। कॉलेज के बच्चे थे, उनका फूड एंड न्यूट्रिशन में एनक्यू लगा हुआ है जी। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है जी, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल में अलग अलग जो पास होता है जी, जिसमें 75 मार्क्स का होता है टोटल, 40 नंबर जो है पास होने के लिए चाहिए, जिसमें 30 जो है का नंबर इनका एक्सटर्नल होता है, जिसमें काफ़ी बच्चे जो फेल हुए हैं जिसकी ओवरऑल तो पास हैं परंतु जो है इंडिविजुअल अलग अलग जो है इंटरनल एक्सटर्नल में किसी में फेल है जी, उसकी वजह से जो है काफ़ी बच्चे जो है नॉट क्वालिफाइड की श्रेणी में आए हैं। इस प्रकरण को हम लोग जो है अभी परीक्षा समिति में रखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा छात्र हित में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है।